नगर निगम श्रमिक सफाई कर्मचारी परिषद जिला रीवा द्वारा आज 10 सूत्री मांगों को लेकर एक ज्ञापन प्रभारी कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को सौंपा गया। सफाई कर्मचारियों ने बताया कि उन्होंने आज अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर प्रभारी कलेक्टर और निगम आयुक्त को ज्ञापन पत्र दिया है। सफाई कर्मचारियों ने बताया कि उन्होंने आज अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर प्रभारी कलेक्टर और निगम आयुक्त को ज्ञापन पत्र दिया है। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों से 1 किलोमीटर दूरी तक का कार्य कराया जाता है, जिसमें कई कर्मचारी बुजुर्ग हैं जिनसे नहीं हो पाता है। इसके अलावा अनुकंपा अनियुक्त में भी धांधली की जाती है। सफाई कर्मचारियों की जगह सामान्य वर्ग के लोगों को भर्ती कर दिया जाता है, जिसके बाद ऐसे लोग काम नहीं करते हैं। उन्होंने बताया कि सफाई कर्मचारियों को अधिकारियों के बंगलों में तैनात किया जाता है, जिससे फील्ड में सफाई करने वाले कर्मचारियों पर काम का बोझ ज्यादा रहता है। बंगलों में तैनात कर्मचारियों से भी यह कार्य कराया जाए। कर्मचारी संघ के पदाधिकारी ने बताया कि इसके पूर्व उन्होंने कई बार ज्ञापन दिया है, लेकिन सुनवाई नहीं हुई है। जी, मेरा नाम गुरसिंह करौसिया है, भारतीय मजदूर संघ का जिला अध्यक्ष हूँ और 10 सूत्री मांग पर माननीय सफाई कामगार अध्यक्ष आदरणीय अमर नाहर जी के नेतृत्व में, सचिव आदरणीय सुनील चुटेली जी के नेतृत्व में ज्ञापन आज सौंपा गया है 10 सूत्री मांगों को लेकर, जिसमें पहली मांग थी कि सफाई कर्मचारियों को 1 किलोमीटर का कार्य बताया जाता, जब तक कुछ वृद्ध है कुछ वो है तो माननीय आयुक्त महोदय जी ने अध्यक्ष जी ने कहा नहीं, उनसे जिस काम होता है पूर्व की भांति 600 मीटर कार लिया जाएगा। दूसरा है नगर निगम में जो अनुकंपा नियुक्ति की जाती है, समान वर्ग की पोस्ट खाली नहीं है सफाई कामगार की, तो ये लोग क्या करते हैं कि सफाई कामगार वर्ग पे नियुक्ति कर देते हैं, उनसे सफाई का कार्य नहीं लिया जाता है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने, आयुक्त महोदय जी ने आज अभी आदेश कर देंगे कि अगर वो काम नहीं करना चाहते तो उनकी अनुकंपा नियुक्ति में पूर्ण रूप से विराम लगा दिया जाएगा। तीसरी मांग है सफाई कर्मचारी के वर्ग से अन्य कार्य कर रहे सफाई कामगारों के पदों पर 860 सफाई कामगार पदों पर नियुक्ति हुई है, केवल सफाई कामगार ही कार्य कर रहा है, जिसमें 495 सफाई कामगार फील्ड में काम कर रहा है, बाकी कर्मचारी बंगलों में कर रहे हैं, कार्यालय में कर रहे हैं। माननीय आयुक्त महोदय जी से चर्चा हुई तो वो सब फील्ड में काम करेंगे, जिस तरह से सफाई का कार्य कहाँ ज्ञापन दिया हमने माननीय आयुक्त महोदय जी को दिया, परिषद अध्यक्ष महोदय को जी दिया, माननीय जिला कलेक्टर महोदय को दिया, पुलिस अधीक्षक जी को दिया, पहले से ज्ञापन लगा था। अब रैली के माध्यम से इससे हम लोग नगर निगम से माननीय आयुक्त महोदय जी जिला अध्यक्ष जी के पद पे पदस्थ है, अभी प्रभार में है, इसीलिए हम लोग यहाँ आए थे।